आप, मैं हूँ आप सबकी बजिया। और आज रमज़ान स्पेशल में हमारे यहाँ बन रहे हैं काले छोले, उसकी चाट। तो चलें शुरू करते हैं। ये काले चने चाट बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं 2 कप चने लेके इन्हें 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था और इसके बाद इन्हें थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू बॉयल कर लिए और उसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। ये जो है 6-7 कड़ी पत्ते हैं। ये 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें इस तरह काट लिया है। ये 1.5 टीस्पून जो है चाट मसाला है जो हमने उस दिन बनाया था। ये 1 टीस्पून कुटी मिर्चें हैं। ये 1/2 कप जो है इमली का पल्प लिया है। ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर काट। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें तेल डाला है। ये हम इसमें पहले ज़ीरा डालेंगे। नमक मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैंने बॉईल करते हुए नमक डाल दिया था। बहुत झटपट जो है ये बन जाती है चाट। इसी के साथ हम इसमें ये आलू भी डाल देंगे। बाद इसमें ये चाट मसाला डालेंगे। ये कुटी हुई मिर्चें, मैंने मिर्चें वगैरह थोड़ी कम ही रखी हैं। अगर किसी को ज़रूरत होगी महसूस तो ऊपर से डाल लेगा। तो ये सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से चने और आलू जाए देखें किताब मिक्स हो गए हैं। इसमें मैं ये इमली का पल्प डाल दूँगी। अब इसके साथ हम इसे अच्छी तरह पका देंगे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ मैं। ये हमारे छोले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कितनी जल्दी फटाफट बन गए। अब मैं ये चूल्हा बंद कर रही हूँ। चलें जनाब, हमारी चाट तैयार हो गई है। अब आप लोग अपने किचन में ज़रूर बनाइएगा, अपने घर में इसे इफ्तार में शामिल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी चाट आपको कैसी लगी, पसंद आई नहीं पसंद आई। अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें मुझे। तो चलें अब अगली डिश तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।